राजधानी रांची की ओर मंजरी गिद्ध संरक्षण केंद्र पर सवाल उठने लगे हैं। केंद्र पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब ये केंद्र सफेद हाथी साबित होने लगा है। इस केंद्र में अभी तक एक भी गिद्ध नहीं देखा गया है। वही गिद्ध लाने की कोशिश भी अभी तक नहीं हुई है। बता दें कि भारत सरकार ने गिद्धों की प्रजाति को बचाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की थी, लेकिन केंद्र को बनाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा मान लिया है। हर साल इस केंद्र के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान भी किया जाता है, लेकिन रिजल्ट जानने को कोई भी उत्सुक नहीं है। बाहर से गिद्ध ला के फर्स्ट में इसमें रखा जाता है, उसके बाद यहाँ करीब करीब एक डेढ़ महीना तक रख के नर्सरी है, नर्सरी में ले जाते हैं, ठीक है। और नर्सरी में जैसे और गिद्ध रहेगा उस समय छोड़ दिया जाएगा। अब वो बॉक्स टाइप का बनाया उसको बैठने उठने के लिए, तो वो खटिया है अंडा उंडा देने के लिए। यहाँ लाइबे नहीं किया है सरकार, तो कहाँ से अंडा उंडा और ये सब होगा।